डियर स्टूडेंट, ये थर्ड पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था जब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होती हैं तो उनका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम जो है नोमिनेटर का नहीं लेते बल्कि डिनोमिनेटर का लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का नहीं लेते बल्कि नीचे वाली का लेते हैं। लिहाजा नीचे वाली वैल्यूज का जो है फैक्टर्स में होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 36 के फैक्टर्स बनाने हैं, और हम बड़ी आसानी से इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यू हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली वैल्यू को हमने वैसे लिख दिया, नीचे को हमने ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर को हमने एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 लिख दिया। ये वाली वैल्यू भी सेम एज इट इज आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम गौर करें, एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 6 का हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। गौर करें, ये पहले के डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू एक्स प्लस 6 एंड एक्स माइनस 6, और दूसरे के डिनोमिनेटर में सिर्फ वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 6। अब हमने इन दोनों में जब कॉमन फैक्टर देखा तो वह है एक्स प्लस 6, और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास है एक्स माइनस 6। लिहाजा हमारे पास एलसीएम आ गया एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर फार्मूला तो लग रहा है, लेकिन उसका फार्मूला लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड किया जाता है। जब हम एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 को एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 पर डिवाइड करेंगे, दोनों ही फैक्टर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। लिहाजा 1 को जब हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 वैसे ही आ जाएगा। जबकि अगर सेकंड वाले डिनोमिनेटर पर इस एलसीएम को डिवाइड करें तो ये एक्स प्लस 6 वाला फैक्टर एक्स प्लस 6 वाले फैक्टर से कैंसिल होगा, जबकि एक्स माइनस 6 वाला फैक्टर एक्स प्लस 5 से जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6 ओवर एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 वैसे ही आ गया, ये ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस भी वैसे ही आ गया, इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीपल करना है। पहले हम इस एक्स को इस एक्स से मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को माइनस 6 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 5 को x से मल्टीपल करेंगे तो प्लस 5x आ जाएगा, प्लस 5 को माइनस 6 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नीचे अगर हम गौर करें तो x प्लस 6 x माइनस 6 है। इस पर हम दोबारा फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जिसे आप लिख सकते हैं x का स्क्वेयर माइनस 6 का स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, x स्क्वेयर माइनस 25 वैसे ही आ गया, ये बाहर माइनस है, जब हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर का साइन हमें नजर नहीं आ रहा ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस का है उसे माइनस का कर दिया, ये 6x का माइनस का वो प्लस का हो गया, 5x का साइन प्लस का वो माइनस का हो गया, 30 का साइन माइनस का वो प्लस का हो गया। डियर स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, अब बाकी वैल्यूज को हमने अरेंज कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 6x माइनस 5x प्लस 30 माइनस 25। पहले एक्स वाली वैल्यूज को हमने लिख लिया, फिर हमने कॉन्स्टेंट नंबर्स को लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। 6x में से 5x को जब हमने माइनस किया तो वो आ गया x, प्लस 30 में से जब हमने 25 माइनस किया तो आ गया प्लस का 5, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ गई। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4, एक्स ओवर एक्स माइनस वाई माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहली वैल्यू को वैसे लिख लेना है, दूसरी वैल्यू को भी वैसे लिख लेना है, तीसरी वैल्यू का अगर डिनोमिनेटर लें तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि फार्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमने कहा था कि डिनोमिनेटर जो है उसका हमने एलसीएम लेना है, और एलसीएम के लिए उनका फैक्टर्स में होना ज़रूरी है। जिसके भी फैक्टर्स बन सकते हो तो पहले फैक्टर्स बनाते हैं। अब हम उनका जब एलसीएम लेंगे तो वो कैसे लेंगे, हमने कहा था कॉमन फैक्टर्स मल्टीपल बाय अनकॉमन फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर गौर करें तो ये एक्स माइनस वाई है,
और इसके बाद ये थर्ड वाले में भी ये x माइनस वाई है, तो हाँ ये एलसीएम आ गया। इसी तरह यहाँ पे x प्लस वाई है और ये x प्लस वाई है, ये दो दफ़ा लिखा हुआ है लेकिन आप एक दफ़ा ही लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब हमने एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड किया, जब हमने इस एलसीएम को x माइनस वाई पर डिवाइड किया तो ये x माइनस वाई वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और ये x प्लस वाई वाला फैक्टर बच गया। ये जो x प्लस वाई वाला फैक्टर है ये ऊपर x से मल्टीपल होगा। इसी तरह ये जब x प्लस वाई से इसको एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई वाला फैक्टर बच जाएगा जो ऊपर y से मल्टीपल होकर आ जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे गौर करें दोनों फैक्टर ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई लिख दिया, हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास नीचे वाले फैक्टर उसी तरह आ गए, ये एक्स वाई इस एक्स वाई से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, जो कि एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। नीचे वाले फैक्टर्स वैसे ही आ गए, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई वाला फैक्टर इस एक्स माइनस वाई वाले फैक्टर से कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई।